बिना गारंटी मांगे जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है बिना गारंटी मांगे। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, अगर आप प्रधानमंत्री जी का स्कीम से लोन लेते हैं तो बिना गारंटर का बहुत ही आसान तरीका से आपको लोन दे दिया जाएगा। इस लोन को लेने के लिए गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगा और नहीं ज्यादा ब्याज लगेगा, बहुत ही कम ब्याज पे आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से, सिर्फ आधार कार्ड से, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देख लेते हैं तो फिर आपको किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे आप जो है कि गवर्नमेंट से लोन बहुत ही आसान तरीका से ले सकते हैं। तो कैसे लेना है और अप्लाई करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, घर बैठे अपना मोबाइल से मात्र 5 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे आसान तरीका से लोन लेने के लिए सबसे पहले मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है जन समर्थ, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऐप देखने के लिए मिल जाता है और ये ऐप गवर्नमेंट का है, तो इस ऐप को सबसे पहले अपना मोबाइल में इस प्रकार से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन होना शुरू हो गया है। सबसे पहले यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर आप इस ऐप से लोन लेते हैं और अगर आपसे किसी भी प्रकार का पैसा का मांग किया जाता है तो फिर आपको कहीं भी किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कट कट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस प्रकार से ऐप ओपन हो जाता है। इस ऐप से 5 कैटेगरी का लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी का लोन लेना चाहते हैं। अगर आप एजुकेशनल लोन लेना चाहते हैं तो इसके नीचे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले आपको चेक करना है कि इस लोन के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या फिर अगर आप अदर लोन के लिए लेना चाहते हैं तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 5 कैटेगरी का लोन देखने के लिए मिल जाता है। जो आप लोन लेना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप बिजनेस करने के लिए बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है बिजनेस एक्टिविटी लोन, और इसके नीचे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप बिना गारंटर का, बिना पैन कार्ड का बहुत ही कम ब्याज पे लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया है विंडर का, इसी वाले ऑप्शन को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। जनरल से आते हैं तो जनरल को सिलेक्ट करना है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जिससे आते हैं उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना लोन अमाउंट को टाइप करना है, कितना आपको लोन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे लोन अमाउंट को टाइप करना है। तो चलिए यहाँ पे हमें अभी जो है कि 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो चलिए यहाँ पे हम इस प्रकार से टाइप कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेशन का मैसेज देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे देखिए स्कीम का नाम देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इस स्कीम से लोन लेते हैं तो फिर आपको 10,000 तक का लोन दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10,000 रुपये तक आपको लोन दे दिया जाएगा, साथ में आपको जो है कि सब्सिडी भी दिया जाएगा
390 रुपये आपको सब्सिडी भी मिलेगा और मंथली आपको EMI पे करना होगा 950 रुपया। और ये जो लोन दिया जा रहा है आपको एक साल के लिए, तो अगर इस लोन को लेना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीका से, तो स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है लॉगिन टू अप्लाई, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए इस बॉक्स में मोबाइल नंबर को टाइप करना है, कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है, बॉक्स पे टिक कोड करना है, गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन से नेट का पेज देखने के लिए मिल जाता है, तो सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशन कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, तो स्क्रॉल डाउन करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एक बॉक्स, इस बॉक्स पे टिक आउट करना है, एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद OTP डालकर सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर को टाइप करना है, कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है प्रोसीड के ऑप्शन, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों इस ऐप से लॉग आउट हो जाते हैं और इस प्रकार का एक पोर्टल भी ओपन हो जाता है और मैसेज भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैसेज आ गया है कांग्रेचुलेशन का और इस लोन के लिए हम एलिजिबल है, इस प्रकार से यहाँ पे बता दिया गया है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब आपको इसी पोर्टल से अप्लाई करना है। तो दोस्तों अगर आप 10,000 तक का लोन लेना चाहते हैं तो अप्लाई लोन 10K इस पे क्लिक करना है, 20,000 के लिए इस पे क्लिक करना है, 50,000 के लिए इस पे क्लिक करना है। और कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है सारा कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 10,000 लोन कैसे लिया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है। सबसे पहले इस बॉक्स में मोबाइल नंबर को टाइप करना है, कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है, रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पर एक OTP को सेंड किया गया है, OTP को इस बॉक्स में टाइप करना है, वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे लॉगिन होते हैं तो सबसे पहले जो है कि सिलेक्ट करने के ऑप्शन आता है कि आप रूरल से बिलोंग करते हैं या फिर शहरी से बिलोंग करते हैं, तो उस चीज़ को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। मेरा यहाँ पे जो है कि ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए थे इस मोबाइल नंबर से, इसलिए डायरेक्ट इस प्रकार के पेज ओपन हो जाता है। अब इस पेज में यहाँ पे देखिए चार स्टेप दिया गया है, चार स्टेप में जो है कि फॉर्म को फिलअप करना है। तो पहला स्टेप यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है, अब दूसरा स्टेप को कंप्लीट करना है। दूसरा स्टेप में जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, चौथा स्टेप में आपको सबमिट के ऑप्शन मिलेगा। जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लोन को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स को पूरा फिलअप कर लेना है। यहाँ पे जो आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछा गया है उस डिटेल्स को सबसे पहले आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे देखिए KYC डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा गया है, तो KYC डॉक्यूमेंट में यहाँ आपको दे देना है वोटर ID नंबर। उसके बाद यहाँ पे फैमिली मेंबर्स कितने हैं सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इस प्रकार से सिलेक्ट करना है और सभी का नाम यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको पूरा फिलअप कर लेना है, करेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे वेडिंग एक्टिविटी के बारे में कुछ डिटेल्स को आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे वेडिंग लोकेशन एरिया के यहाँ पे आपको दे देना है, यानी कहने का मतलब यही है कि जिस एरिया में आप कारोबार करते हैं, विक्रेता का काम करते हैं जिस एरिया में, उस एरिया का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है। ये लोन उन लोग को दिया जा रहा है जो सड़क किनारे विक्रेता का काम करते हैं, फेरी का काम करते हैं, छोटा मोटा करते हैं और वो चीज़ को करने के लिए पूंजी नहीं है, तो उस चीज़ को लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के तरफ से दिया जा रहा है 10,000 रुपये तक का लोन, कि इस लोन को लेकर अपना पूंजी को बढ़ाकर फिर से आप जो है काम को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है फैमिली मंथली इनकम क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे फैमिली इनकम को टाइप करना है और जिस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक का सबसे पहले यहाँ पे नेम को सिलेक्ट करना है, IFSC कोड को टाइप करना है, ब्रांच को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और अकाउंट नंबर को टाइप करना है।
तो ये सब आपको डिटेल सही तरीके से फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अब यहाँ पे लोन अमाउंट को टाइप करना है। तो दोस्तों 5000 से लेकर 10000 तक का आप लोन ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे होंगे तो आपको 10000 तक का लोन दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 10000 रुपये आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे 10000 रुपये टाइप करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे लोन पर्पस को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं लोन तो 10000 दिया जाएगा, 12 मंथ के लिए दिया जाएगा। और जैसे इस लोन को वापस कर देते हैं सही समय पे तो फिर आपको जो है कि सेकेंड लोन लेने के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा, यानी 20000 तक का फिर आप लोन ले सकते हैं 18 मंथ के लिए। उसके बाद इस लोन को सही समय पे वापस कर देते हैं तो फिर आप जो है कि थर्ड लोन को भी ले सकते हैं 50000 तक, जो 36 मंथ के लिए लोन दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लोन पर्पस को सिलेक्ट करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सब कुछ डिटेल्स फिलअप करने के बाद जो है कि सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आईडी नंबर मिल जाता है, आपका नाम देखने के लिए मिल जाता है। और इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जो दिया गया डाउनलोड के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आपको वेट करना है। उसके बाद जो आपने बैंक के नेम को सिलेक्ट किए हैं उस बैंक से आपके पास कॉल आएगा, कुछ आपसे जानकारी लिया जाएगा। उसके बाद फिर जो है कि लोन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो इस प्रकार से आप जो है कि गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं।